अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू द न्यू सीरीज़ ऑफ वीडियोस। दोस्तों हम आज न्यू मुंबई में वीडियो बना रहे हैं इमरान भाई के साथ में। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप इमरान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान भाई बहुत ही उम्दा शौक, शायद ये सीज़न में मेरी भी एक जर्नी रही आपके साथ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। तो आई थिंक ये सीज़न का तो एंड है। हाँ, काफी अच्छे बकरे देखे ऑल ओवर इंडिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी सब माल यहाँ पर बॉम्बे में 15 तारीख तक इंशाल्लाह अवेलेबल रहेगा, अपना सारा माल। सही है। हाँ। तो आपका जो भी कलेक्शन होता है पूरे इंडिया में, तो ये बेस बन जाता है? हाँ, यहाँ फिलहाल अलियोम में ही अपना बेस है जी, और सारे बकरे यहीं पे जी आएंगे। अभी जो माल अपना पूरा राजस्थान का है वो यहीं पे आएगा। और मैम भाई, जैसे साल भर भी आप ट्रेड करते रहते हो? हाँ हाँ, साल भर, लेकिन सिर्फ क्वालिटी में। सिर्फ क्वालिटी, ओनली क्वालिटी। वो तो हमने देखे, बहुत उम्दा क्वालिटी के बकरे। और अभी भी जो अपना माल आएगा वो क्वालिटी में ही है, गुजरी सोजत वगैरह जो भी जो अपन ने पाले हैं साल जी, वो माल आएगा। और काफी बकरे हमने देखे जो पालने लायक भी हैं। हाँ, ये वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं एक्चुअली सबसे छोटे बकरे से। ये व्हाइट बोर है और ये हमारे घर के बच्चों के शौक के लिए है, ये फॉर सेल नहीं है। ये फॉर सेल नहीं है? नहीं है, नहीं है, ये हमारे घर के शौक के लिए है। अभी आपका नाम क्या है बेटा, बोलो नाम। वसी इमरान काजी। वसी, माशाल्लाह, अल्लाह अच्छा रखे। बहुत ही मैं नहीं पता है, पता, अंकल को नहीं पता है। अच्छा, इसका नाम क्या? इसका नाम क्या? यासूब। बोलो, अब्बा जी का बेटा। अब्बा जी का बेटा। योर कॉम्पिटिटर। वो वैसे टसन चलती है उससे। सही है, माशाल्लाह, बहुत मजा आ गया इमरान भाई। अभी हम लोग क्या करते हैं, खस्सी बकरे एक एक करके दो दो देखेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, जिसको भी लेना होगा यूं आके देख सकते। राइट राइट राइट, माल या ये वाला तो अवेलेबल है और 15 तारीख को सारे बकरे यहाँ पे अवेलेबल होंगे, अपने जितने भी बकरे। सही है इमरान भाई, ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं। इमरान भाई, पहले बकरे से ही जो शुरुआत हो रही है बहुत ही उम्दा, माशाल्लाह। तो इमरान भाई, ये आप कभी कभी छोटे बच्चे भी लेके साल भर पलवा लेते हैं? हाँ, ये अपना तकरीबन ये 8 से 10 महीना पाला हुआ ही बच्चा है ये। जितनी तारीफ की जाए कम है इमरान भाई, पूरा मार्बल सिंह मार्बल फूर वाइट आइज और स्ट्रक्चर वाइज भी ना कंप्लीट बकरा अल्हम्दुलिल्लाह। दांत चार है, करीब से मैं दिखाऊं इसके सिक्के देखें आप, पूरे मार्बल है ना भाई। हाँ, मार्बल वाइट आइज के अंदर है, कान पे सिर्फ थोड़े छीटे हैं। हाँ बस, अदर देन दैट इज लाइक स्पॉटलेस है ना, माशाल्लाह। सीना देख लें, क्या इसकी डिटेल्स होगी मैम भाई वजन की? वजन में अभी ये 75-80 केजी है लगभग, उतने 80 हाँ, किलो के लगभग 75-80 केजी है। चार दांत पे है, चार दांत। हाँ, हाइट 39, हाइट 38-39 होगी। 38-39। हाँ, तो मैम भाई ये बकरा जैसे अभी बहुत सारे बकरे देखेंगे हम, आप यहाँ से नक पे बेचेंगे कि वजन पे? ये कुछ बकरे है 2-3 जो नक पे होंगे, 2-4 बकरे, बाकी पूरा वेट वजन पे ही बिकेंगे। वजन पे ही तो सेल। ये बकरा कैसे बेचना? ये नक पे होगा, ये नक पे देंगे। हाँ, क्या रेट इसका आस्किंग है मैम? इसका आस्किंग रेट है 75,000 इसका आस्किंग रेट है। एंड अगेन दिस विल बी निगोशिएबल। यस, है ना, लोग जरूर कांटेक्ट करें क्योंकि बहुत ही नायाब चीज है। आप ये बकरे की पूरी क्वालिटी देख लें, इसके सिक्के दोनों तरफ सेम है इमरान। हाँ हाँ हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि बड़े छोटे। नहीं 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 नहीं, पूरा बुल सिंह में पूरा सेम ही है। सही है, तो आइए आप दूसरा बकरा दिखा रहे हैं, लेके आ जाओ शावेज। अभी 2-3 बकरे सब ये देखो आप साथ में, ये भी नस्ल सोजत ही है। एक बकरा पकड़ो, खड़े रहो भाई, आ जाओ शादा फेंक ले। वो लेके ले लेना शावेज, कोटा लेके खड़े रहना। ये सोजत नस्ल में ही है? ये सोजत ही है, कान थोड़े कोटा जैसे। हाँ सही है, क्या डिटेल पे बच्चा इमरान भाई? भाई ये चार लगा रहा है सब बकरे में, वो बकरा भी इतना बड़ा, चार दांत पे, चार दांत, ये भी चार ही लगा रहा है और अराउंड 65-70 केजी है। 65 से 70 के बीच में होगा अप्रोक्सीमेटली, थोड़ा ज्यादा ही निकलेगा, 65 जहाँ तक मेरे को प्लस ही आएगा। हाँ, वो तो ये सब वेट पे है जी, ये सब वेट पे सेल होंगे। अच्छा, ये सब बकरे वजन पे बेचते? हाँ, ये वजन पे है, जो नग पे होगा मैं बता दूंगा। सही है। हाँ, तो ये तीनों बकरे वजन पे बेचते? ये तीनों वजन पे ही बिकेंगे। ये दूसरा, ये भी मालवा सोजत क्रॉस है और छट्टा लगाया है
और 70-72 केजी पे। मार्बल सिंग है? हाँ, मार्बल सिंग, मार्बल खुर है, गुलाबी बच्चा है और खुर भी एकदम वाइट है माशाल्लाह। और इसके भी सिक्के माशाल्लाह बहुत शानदार है। सब बकरे बहुत ही गुड लुकिंग है, मतलब ये सब अब आप चूज करके लेते हो तो वो सब तो देखते ही रहेंगे आप। और चूज करके लेते हैं और अपन बिंदास पालते हैं, अपना शौक करते हैं। सही, एंड ऑफ द फिर ईयर। हाँ हाँ, दूसरे बाकी शौक करते हैं अपन, पलाई करके शौक करते हैं। सही, ले आओ भाई ये वाला शावेज दिखाओ। शावेज आप बताओ, छोटा बकरा है, इधर पे ले लेते हैं बीच में। दादा तुम वो दिखाए क्या? अच्छा वो बाकी है ना, ये जो पैच होता है इमरान भाई, ये कलर का पैच, ये पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। हाँ, ये आई थिंक बहुत रेयर पैच है। ये अंडूल था, मैंने खस्सी करके पालना था मुझे एक छोटा बकरा जी, तो मैंने इसको खस्सी किया है। ये अराउंड 90 केजी पे है, अभी 8 दांत कर चुका है। आपने अंडूल भी पाले हैं, खस्सी भी पाले हैं। हाँ, कंपेयरिंग कौन से बकरे जल्दी वेट लेते हैं? खस्सी, खस्सी जल्दी वेट लेते हैं। अंडूल मस्ती में, गर्मी नहीं नहीं, अंडूल तो उल्टा रिवर्स है। रिवर्स अंडूल तो काफी हर जगह रिवर्स है बकरे, मेरे ही नहीं, काफी लोगों के अंडूल जो है, जो उम्मीदें थी लोगों को अंडूल से, वो उस वेट पे नहीं है। सही, तो ये बकरा भी क्या वजन पे होगा? ये अराउंड 90 केजी के आसपास है, 85-90 बोलेंगे जी। हाँ, ये भी वेट पे ही देना है, वेट पे देना है। हाँ, तो क्या वजन पे आप ये बकरे सेल कर रहे हैं? ये मेरा एक फाइनल रेट का डिसाइड किया है मैंने ये साल के 70-75, 5 किलो बफर रखते हैं, 70-75 किलो के सोजत हो, गुजरी हो, या जो भी बकरे मेरे क्वालिटी, अजमेर भी मेरा क्वालिटी है जी, मैं वो 600 रुपीज केजी दूंगा। सही है, और 75 के ऊपर मैं 650 कितना भी किलो का देखा है तो ये बहुत बड़ा ऑफर है। हाँ, क्यों पता है कि आपके चूज किए हुए बकरे मेरे क्वालिटी है, वो आगे की वीडियो में भी देखें यार, लोग बकरे यहाँ आ जाएंगे 15 तारीख को अवेलेबल रहेंगे, आग से देख कर ले सकते हैं। सही है, मेरा जो सोजत का भी क्वालिटी आपने देखी हुई है, मैं खुद देखा हूँ मेरी सोजत की क्वालिटी कैसी है। तो वो सब बकरे अपने 6-6 महीना 8-8 महीना पले हुए फार्म के, सब पले हुए, तो वो सही है, 75 के ऊपर कोई भी बकरा कितने भी किलो का होगा 650 रुपए किलो, दो ये मेरा रेट हो 600 एंड 650। हाँ, 75 तक के 600, 75 के बाद 650, कितना भी वेट पे हो। कुछ बकरे नक पे वो हम बता, हाँ वो बता देंगे। ठीक है भाई, ले आओ नेक्स्ट, चादर वो ले आओ तो फिर वो बड़ा गुजर दे। दोस्तों अभी एक और खूबसूरत मार्बल सिंह में, क्योंकि हर बकरा एक्सक्लूसिव है तो उसको दिखाना भी एक्सक्लूसिव तरीके से हमको। ये देखो आप उसके सिक्के देखे पहले बकरे के, सेकंड आपने एक और बकरे के सिक्के, और ये भी मार्बल सिक्के में माशाल्लाह। ये नस्ल क्या बोलेंगे भाई? भाई ये अब क्या बोलेंगे, इसका हिरन लुक है बस इतना पता है मुझे, कान भी एकदम, ये इसको आप ऐसा नॉर्मली देखोगे ना आपको हिरन लुक में दिखेगा, फेस कट भी उसका जी। ये इसकी ब्रीड तो सच बोलूं तो मुझे भी नहीं समझ में आया, कुछ भी बोल देना। कौन से पट्टे से खरीदा हुआ? ये अजमेर से लिया हुआ है, अजमेर से, अजमेर से मैंने कुछ परचेस। हाँ, गुलाबी बच्चा है, फुल गुलाबी बच्चा है वेट, और बिल्कुल शायद एक इसको स्पॉट है ब्राउन। हाँ, बाकी ने तो वो पिंक ही है पूरा, बहुत ही सॉलिड माशाल्लाह। ब्रीड क्या बोलेंगे शरद भाई इसको? ना ये ब्रीड है ना, अगर आप देखोगे ना जी शरद भाई, पाकिस्तान के तरफ है ना, आपको एक परी बोल के ब्रीड है, राइट? हाँ, पाकिस्तान के तरफ है ना एक परी बोल के ब्रीड है, ये शायद वो ब्रीड में आए, क्योंकि उसके सिंग जो आप बोले ना हिरन, हिरन की तरह वो बकरियों को वैसा ही बोलते हैं, उसका वैसा ही है। तो मैं कुछ बोलूं उससे अच्छा पब्लिक कमेंट करे ये क्या ब्रीड है, समझ में आया है। लेकिन खूबसूरत चीज थी, अपन ने ये शौक करने के लिए लिए जी, 6-8 महीना हो गया अपन इसको। ये अपने को वेट पे देना है? नहीं, ये नक पे देना है, नक पे देना, नक पे देना। और क्या आस्किंग रेट रहेगा भाई इसका? इसका रेट अपन कॉल पे बताएंगे, कॉल पे बताएंगे। हाँ सही, ठीक है, चलिए। तो एक और बहुत नायाब चीज और बहुत ही अच्छी लाइन का बच्चा देखे हमने, अभी आइए वाइट से अभी जा रहे हैं हम लोग थोड़ा नासी कलर की तरफ। माशाल्लाह बहुत अच्छी हाइट है बकरे की, 42 प्लस है, है ना? और इस पे ब्राउन पे स्पॉट भी थोड़े थोड़े वाइट कलर के आए। हाँ, वो बाल कुछ वाइट आए हैं उसको, बहुत लविंग बकरा, आके खड़ा हो जाता है अपने पास। हाँ हाँ, है ना, जैसा अपना वहां पर भी है ना एक जूलैंड में जी। ये 1.5 साल से है अपने पास। हाँ, मतलब बहुत ही छोटा बच्चा लिए थे आपने? नहीं, ये 4 दांत पे आया था, वेट तो अच्छा था इसका, उल्टा यहाँ थोड़ा सेट होने में टाइम लिए इन लोगों ने, और अभी 102 केजी पे है, 102 किलो पे, और 8 फ्रेश है, 8 दांत फ्रेश है और 102 किलो पे, 42 किया है। तो स्ट्रक्चर देख लो बकरे का, ऊपर से गर्दन से आप पैर देख लो, घुमा सीना वगैरह भी थोड़ा, हाँ घुमा के वो साइड से भी दिखाओ एक बार,
माशाल्लाह, बहुत ही लविंग बकरा लेके आके घर पे भी रखेंगे तो मजा आएगा। तो ये अपन वजन पे देंगे, ये वेट पे देंगे, वेट पे देंगे। और जो रेट आपने बताए थे सेम रेट 100 के ऊपर है, मतलब 100 के ऊपर मैं नक पर ही दे रहा हूँ, लेकिन ये भी अपन उस पे दे देंगे बराबर। हाँ ठीक है भाई, ठीक है। मक्की छीना ने तो इस साल शौकीनों का कर दिया है मुश्किल जीना, मतलब यही हो गया इस साल तो। आपका भी बहुत बड़ा कलेक्शन है। हाँ हाँ, जूलैंड पे, जूलैंड पे है, वहाँ माथुर जी के वहाँ है एक दो। सही है, तो वहाँ के बकरे अभी तक आए नहीं है ना? नहीं नहीं, 15 तारीख तक के सब यहाँ अवेलेबल। पूरा गैंग आ जाएगा मक्की छीना, पूरा बहुत अच्छे अच्छे बकरे उसके अंदर जी। तो ये बकरा कब से पल रहा है यहाँ पर? ये अपने पास आया है साल भर, करीब साल भर से। तो ये भी छोटा ही आया होगा? ये था सब अराउंड 60 kg के अंदर ही था जी। आज ये 95 है, ये 85 से 90 के बीच में आना चाहिए। सही है, वेट किया नहीं है मैंने अभी बकरों है। मक्की छीना लेकिन चारों खुर इसके मार्बल खुर है सब। हाँ। चारों खुर मार्बल है उसके। बनावट भी अच्छी है बकरे की, चेहरा भी प्यारा है माशाल्लाह। दांत कितने? 4 किए, छठा भी लगा रहा। सही है, बहुत ही खूबसूरत कलर का मक्की छीना। इसका अपन ये बता देंगे, ये इसको गाट थी वो फूट गई है। हाँ, वो तो डाइल्यूट हो गई है। हाँ, हो गई है, पूरा फोड़ दिया है, वो 4-6 दिन में ठीक हो जाएगा माशाल्लाह। वो साइड का कलर दिखाओ शाविज भाई, लगभग सेम ही है। फ्रेम बहुत लंबा है इसका, लेंथ में बहुत अच्छा, और बकरा काफी खूबसूरत है कलर वाइज माशाल्लाह। तो ये अपन वजन पे देंगे भाई के नक पे? ये वजन पे, वजन पे देंगे, वजन पे ही देंगे। ठीक है भाई, तो दोस्तों आप लोग बुक कर सकते हैं अभी से, अगर कोई अभी बुक करता है तो यहाँ रख सकते हैं। हाँ हाँ, पलाई पे रख सकते हैं। ठीक ठीक है, चलो जान दो चांद ये पांचों। सो दोस्तों, वाइट वाइट बकरों के बाद में कुछ कलर बकरे भी देखेंगे माशाल्लाह, कोटा में है ना भाई? हाँ, कोटा खस्सी, कोटा खस्सी एक रेयर कॉम्बिनेशन देखने मिल रहा है। हाँ, लोग ज्यादातर कोटा अंडुल पालते हैं, आपने खस्सी। हाँ, पाला माशाल्लाह, कलर काफी अच्छा है इमरान भाई। हाँ, मक्की छीना तो नहीं बोलूंगा पर एक अबलक टाइप का कलर है। एक्चुअल में मैं मक्का छीना ही बोल सकते हैं, बोल सकते लोग। हाँ, इसको मक्का छीना ही बोल सकते, वही सोच के ही लिया था। स्पॉट्स वगैरह अच्छे हैं इसके ऊपर। हाँ, खस्सी आपने यहाँ करवाया कि खस्सी खरीदे? नहीं करवाया, मैंने करवाया। ये मेरा कोई बॉम्बे में कोई और फार्म पे पल रहे थे। अच्छा, विरार में, वसई में। सही है, बहुत अच्छा बकरा है माशाल्लाह। हाँ, सिक्के वगैरह भी इंटैक्ट है, सब सही है। क्या डिटेल पे? ये अभी 4 दांत पे है जी, और 67-70 केजी के आसपास। 70 किलो का बकरा है, 67 से 70 किलो का बकरा है। पैर वेर का मजबूत बकरा है। हाँ, और खस्सी है। सही है, ये भी वेट पे ही देंगे, वेट पे देंगे। 600 रुपए से आ जाएगा ये। हाँ, है ना दोस्तों, अभी एक से गुजरी दिखाएंगे। सोजत में तो है ही आप लोगों का अच्छी चॉइस, लेकिन गुजरी एक नेक्स्ट लेवल गुजरी भी। वाह, बहुत अच्छा बना है भाई बकरा। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे हिसाब से तो मैं थोड़ा सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि क्या होता है, आपने इसको जब खरीदा होगा तो आपको इसका वेट मालूम होगा ना। हाँ, पर हम जब नए नए लोग देखते हैं। हाँ, तो हमको इसकी बनावट, इसकी शाइनिंग देख के लगता है कि बहुत अच्छा बना हुआ है बकरा है। नहीं नहीं जी, लेकिन फिर भी ये अभी इस वक्त ये 80-81 केजी पे है जी। हाँ, और ये मतलब जब लाए थे आप तो क्या वजन पे था यहाँ पर? ये 55 किलो पे, 55 किलो। यहाँ पर नहीं, ये भी दूसरे फार्म पे मैंने पलवाया है। सही, इसके कलर कॉम्बिनेशन काफी अच्छा है। हाँ, कलर दोनों साइड से गुजरी है, ये गुजरी कलर है प्योर जी। और ये भी अपने को वजन पे ही? हाँ, वेट पे 600 रुपीस पर केजी। ये तो 81 है, 650 में बैठेगा। सही, अगर हाँ 80 के ऊपर लो माशाल्लाह। क्या होगी इसकी डिटेल, हाइट कितनी है? बाय हाइट ये 40 प्लस आएगा, और 6 दांत पे है। लेंथ वगैरह से कैसा बकरा पाल सकते हैं? आराम से, आराम से, पलटी के लिए भी बहुत अच्छी चीज है। हाथ पैर का मजबूत बकरा। हाँ, और ये इस वक्त 85-87 केजी पे है। सही है। हाँ, 40 के लिए बहुत शानदार बच्चा है, 40 प्लस हाइट है दोस्तों। हाँ, कलर कॉम्बिनेशन भी देख लें आप, बहुत प्यारा बकरा माशाल्लाह। वो साइड का कलर दिखाओ मैम, और बड़ी फ्रेम का बकरा है। हाँ, ये भी हम लोग वेट पे देंगे, वेट पे देंगे 650 रुपीस। राइट, सही मैम, 6 दांत पे मैम माशाल्लाह।
गुजरी बकरे सारे बहुत फिट एंड फाइन दिख रहे हैं। ये बहुत अलग पैटर्न है इसका, ये जल्दी आपको सब बकरों में नहीं देखने मिलेगा। इसके अंदर दो पैटर्न है, एक ये ऊपर का जो ये पैच है ना, ये बहुत स्ट्रेट और कड़क पैच है इसका जी। हाँ। और ये साइड वो पैच नहीं है। नहीं, नॉर्मली बकरे आते हैं या तो ये पैच में या तो बारीक पैच में, इसके अंदर दोनों पैच है। ये 90 प्लस है वेट में जी, और हाइट अराउंड 39-40 के आसपास आ जाएगी। सही, और वेट में 91-92 केजी पे। ये भी इंशाल्लाह अगर किसी को चाहिए तो वेट पे मिल जाएगा। ठीक है भाई, छोड़ दे। क्या वेज वो दिखा? माशाल्लाह। मैं क्या डिटेल पे है शेर खान? ये अभी दांत तो छह ही है जी, छह दांत पे, और 97 केजी पे वेट है इसका। वो अपना राजस्थान में जो ये थे ना यूट्यूब का, वो मॉन्स्टर और वो क्या नाम था, एकदम सेम उसकी ऐसा फेस का। वो देवना में वाघरी लोग नहीं लेके आते थे बड़े बड़े बकरे? हाँ। वैसे ही छह, वैसे ही है उसका सीना वगैरह आप देखो, और हाइट भी उसकी 41 प्लस है, और दांत भी आप अगर छह बता रहे हो तो ये होपफुली पालने के लिए भी सही रहेगा। पैर देखो ना आप, उसके पैर देखो ना, जितनी तारीफ की जाए कम है। माशाल्लाह, ये पंच हो गया है ना भाई? हाँ, ये पंच हो गया है, तो ये भी हम लोग वेट पे देंगे। वेट पे तो अगेन 650 रुपीस से। यस यस, ये शानदार बकरा, ये भी ये भी, ये रेट में इतने बड़े बकरे कोई नहीं थे। हाँ नहीं, वो तो है, बहुत शानदार चीज है, अलग ही। 41 की आज हाइट हो गई ना, तो बस हो गया। वो इमाम चेहरा देखो ना इसका, माशाल्लाह, ये वही मॉन्स्टर उसकी, सही बोले एकदम सेम कॉपी है उसकी, उसकी याद दिला रहा है, एक साल पल जाए तो वैसा हो जाएगा, एकदम सेम वही। बस वो खाली वो हाइट की बात थी वो दोनों बकरों में अपने जी। वो 40 तो यहाँ से सर दिखाओ ना इसका गला पट्टी, दिखाओ यहाँ, बहुत उम्दा। हाँ ये हुई ना भाई। और ये एग्रेसिव भी है थोड़ा। हाँ हाँ, हम लोग अभी खेल रहे थे इससे, थोड़ा मारने भी आ जाता है। सही, बहुत नीचे तक पैच आ गया व्हाइट कलर का। हाँ, ये पूरा यहाँ तक खेल, तो कोई पलटी करेगा ना तो सेम वो मॉन्स्टर की कॉपी लेगा इंशाल्लाह। बस हाइट बढ़ना चाहिए ना इमरान भाई। हाँ, हाइट वो तो भाई वो दोनों नायाब चीज थी, वो तो हाँ, अलग ही चीज़ अलग है। हाँ चलिए, तो और बकरे हैं खस्सी में? अभी खस्सी में ये अपना कलेक्शन ओवरऑल हो गया जी। तो इमरान भाई एक बार नंबर दे दें आपके। मेरा 9892-53786। ठीक है, ठीक। और ये बकरे जिसको भी लेने होंगे अलीओम पे मंसूर भाई के वहाँ अवेलेबल है, आकर भी कोई चाहे तो देखे, और 15 तारीख के बाद अपने सारे बकरे यहाँ अवेलेबल रहे। सही, अब नेक्स्ट वीडियो में अंडूल दिखा देंगे, कुछ बकरे यहीं घूम रहे, हम लोग चलते फिरते दिखा देंगे। छोड़ो भाई, छोड़ो आगे लेके, बस छोड़ दो। ये देखो आप, लेंथ अभी समझ में आएगी आप। हाँ, वो खस्सी पंच बकरा, लेकिन पंच फेल हो जाता है ना, वो उस टाइप से है, लेकिन बकरा बहुत शानदार है। 650 फाइनल, नो बार्गेन। नेक्स्ट वीडियो में भी आप वो बिक भी जाएगा भाई, अभी वो देखने आने ही वाले हैं।